हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं इंडियन एफपीएस गेमर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको बताने वाला कैसे आप अपने जी टी 5 गेम में ओरिजिनल कार्स जो होती हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कि रेंज रोवर, फॉर्चूनर या कोई भी आप ऐसी जो रियल लाइफ कार होती है वो कैसे डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जो जी टी 5 है उसमें जो कार्स होती हैं वो मोस्टली फेक कार होती हैं या जो डुप्लीकेट्स होती हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे स्टेप फॉलो करिएगा, आप आसानी से गेम में कार्स डाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, इसमें है ना हमें जो ज़रूरत पड़ेगी फाइल की वो है ओपन आईवी, जो कि ये है। मैं आपको बता दूंगा ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद हमें चाहिए कार्स की फाइल जो हमें कार डालनी है, और तीसरा हमें चाहिए इनहेंस ट्रेनर। तो स्टेप वाइज मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आप ओपन आईवी इंस्टॉल कर लेना। ओपन आईवी इंस्टॉल करने के बाद हमें जाना है विंडोज़ में, ठीक है। विंडोज़ में जाने के बाद अभी ये विंडोज़ में थोड़ा स्टार्ट होने दो इसे, ये अपना आ चुका है विंडोज़ में। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जाना है मोड्स फोल्डर में। जिसने मोड्स फोल्डर नहीं बनाया प्लीज़ वो मोड्स फोल्डर बना लेना गेम में, क्योंकि हम जो भी क्या बोलते हैं काम करेंगे, कार वार डालेंगे, अगर जो कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं या इनहेंस करते हैं ग्राफिक, वो इस मोड फोल्डर में ही करते हैं। तो एक मोड्स फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना लेना अपने जी टी 5 की मेन डायरेक्टरी वाले में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कार को इसमें डालना है। तो कार को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो कार को डाउनलोड करना है हमें जी टी 5 मोड व्हीकल से। इसकी मैं वेबसाइट दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना। तो जैसे इसमें से कोई भी कार आप डाल सकते हैं, आपको कोई भी कार मिल जाएगी। जैसे कि मेरे को डालनी है रेंज रोवर की वेलर आती है एक, ये डालनी है मेरे को। तो मैं ये इस पर जाऊँगा, यहाँ कार देख सकते हैं कैसी है, इस पर जाऊँगा, यहाँ डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, दो बार आएगा, ठीक है। फिर ये अपनी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखी है पहले से, ये गई अपनी। हमें ये क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ, ठीक है। ये अपनी फाइल आ गई 18 वेलर, ये अपनी इसकी, ये जो ऐसी फाइल होती है ना YFT YTD, ये होती है रिप्लेसमेंट कार्ड। जैसे बाकी गेम में जो कार्ड चल रही होती है ना उन्हें रिप्लेस करना है, तो उनके लिए होती है। अगर आपको रिप्लेस करनी है तो ये आप डाल सकते हो, उसका भी मैं स्टेप बता दूंगा। बाकी हमें कार ऐड करनी है तो क्या करना है, मैं ये जो होती है ना फोल्डर, जैसे DLC जो फाइल होती है उस पर ध्यान देना है। अपने को ये 18 वेलर लेनी है, और अपने को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई, अब हमें गेम को बताना है कि भाई इसमें हमने कार डाल दिया। तो उसके लिए अपडेट में जाना है वापस से यहाँ मैंने क्लिक किया था GTA 5 पे आके, मोड्स अपडेट update.rpf कॉमन डाटा, और उसमें जाके हमें DLC लिस्ट देखनी है। DLC लिस्ट में जाके हमें करना है एडिट पे जाके हमें यहाँ एक लाइन ऐड करनी है, जो कि हमें मोस्टली ये रीडमी करके जो फाइल होती है उसमें लिखी होती है, और वो होती है ये फाइल, ये यहाँ देखो ये लिखा हो ना आइटम DLC पैक्स, ये वाली जो है हमें कॉपी कर लेनी है। अगर आपके रीडमी नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, जिसका कार का नाम है ना, ये दिखा देता हूँ आपको, जो कार का नाम है वो यहाँ ऐड कर देना है। इसको कॉपी करना पूरे को, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ एंटर दबा के, देखो बताता हूँ आपको, एंटर दबा के यहाँ पेस्ट कर देना। अब मेरे पास पहले से तो मैंने पेस्ट कर दी, बाकी यहाँ पे आपको बस वो कार का नाम डालना है, इस ये दोस्त है ना ऐसे, इसके बीच में आपको डालना है। डालने के बाद आपको करना है सेव कर देना है, ठीक है। ये अपनी कार का कार डाल चुकी है। अब आपको रिप्लेस करनी है, तो रिप्लेस के लिए कुछ नहीं करना, आपको रिप्लेस के लिए आपको जाना है वापस से GTA 5 मोड्स, इसमें ये ई वाला होगा, ई में जाके लेवल्स GTA 5 व्हीकल्स, और इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है तीनों। अब मेरे को मैं रिप्लेस नहीं करना चाह रहा, तो मैंने बस ऐड ऑन करनी है, तो मैंने ऐड ऑन कर दिया, और मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हैं, अगर रिप्लेस करनी है तीनों फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आ जाते हैं, अब हमारा सब कुछ हो चुका है। अब हमें है ना ये कार स्पैम करने के लिए हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का नाम है इनहेंस नेटिव ट्रेनर। अब हमारा ओपन आईवी से सब कुछ काम हो चुका है, अब इसे बंद कर सकते हैं। हमें चाहिए इनहेंस नेटिव ट्रेनर। हमें ये इनहेंस नेटिव ट्रेनर डाउनलोड कहाँ से करना है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना। उसमें हमें फाइल डालनी है बस ये ASI वाली .ASI वाली, और कुछ नहीं डालना। इसे यहाँ से करना कॉपी, और अपनी GTA 5 के इसमें जाके पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं करना। ये मेरी GTA 5 की फाइल है, तो मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया, मैंने पहले से ही पेस्ट कर दिया इसलिए मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब आपका सब कुछ काम हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा गेम चलाना है। तो हम सीधा अब गेम चलाते हैं, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपने गेम में, मेन हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम करेंगे क्या, कार मंगवाएंगे जो अपन ने कार डाली है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको F4 दबाना है, ठीक है, क्योंकि अपन ने नेटिव ट्रेनर डाल दिया था, तो उसका कंट्रोल F4 से होता है,
तो अपन F4 दबा देते हैं, अपना ये स्क्रीन खुल गया। इसके बाद हमें जाना है व्हीकल्स में, व्हीकल्स में जाके व्हीकल्स पैनल में जाके हमें 6 या 4 दबाते रहना है जब तक ये ना आ जाए एंटर नेम मैनुअली। यहाँ जाके अपने को डाल देना है कार का स्पैन नेम, जैसे मेरी कार का नाम था 18 वेलार, तो अपन ने 18 वेलार यहाँ लिख दिया है, एंटर दबा देंगे अपन। ठीक है, तो कार अपनी आ जाएगी, देखो कार अपनी स्पैन हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये बंद कर देना है, F4 दबा के बंद कर सकते हो, या बैक 0 से होता है, नम नम जो की होती है ना कीपैड, नम कीपैड उसमें 0 से दबा के आप हटा सकते हो। ये देखो ये अपनी नकली वाली, ये देखो इसमें ऑडी के भी कैसे साइन बन रखे हैं, और ये अपनी ओरिजिनल रेंज रोवर है, ये देखो देखा ना रेंज रोवर। और भाई ग्राफिक्स देखो, अगर तुम्हें ऐसी ग्राफिक्स चाहिए ना तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि GTA 5 में ऐसी ग्राफिक्स कैसे इनहेंस करें। मैं आपको अब इस कार का ना इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, इंटीरियर भी बहुत शानदार है इस गाड़ी का भाई साहब। ये देखो एकदम ओरिजिनल इंटीरियर है इसका, सनरूफ, बस इसके थोड़े ग्लास में ना रिफ्लेक्शन वाली दिक्कत है, और ये इसी कार के साथ है, बाकी किसी कार के साथ नहीं है। मैं आपको दूसरी कार भी दिखा देता हूँ स्पैन करके कि बाकियों के साथ दिक्कत नहीं है, इसी में ये रेंज रोवर है। बाकी बाहर से तो ये सही दिखती है भाई, SUV में मेरे को ये सबसे सही लगती है GTA के अंदर। अब मैं आपको निकल के बाहर से दिखा देता हूँ, करते हैं स्पैन दूसरी कार, पहले ये देख लो आप नज़ारे देख लो। चलो यहाँ पे मार लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ मारेंगे तो गाड़ी कोई ना कोई ठोक के चला जाएगा। अपन ने ये कर ली लाइकन वाली, ठीक है उसका नाम डाल के। अब इस पर अपन एंटर करके, अब मैं दिखाता हूँ इसका अंदर से कितना सही है भाई, ये कार अलग ही लगती है गजब की। ये सारी कार आपको वहीं मिल जाएंगी GTA 5 मोड्स में जो वेबसाइट है। ये देखो इसके ग्लास में इतनी दिक्कत नहीं है, जो उसको आ रही थी ना उस वाले में अपने को रिफ्लेक्शन वाली इशू, वो इसमें ऐसा इशू कुछ नहीं है, कहीं चमचमाती। गेम प्ले का थोड़ा आनंद लेते हैं हम। ओहो हो हो भाई क्या प्यारी गाड़ी है यार ये, और ये जब से इसमें वो डाला है ना GTA 5 का मोड, तब से तो और सही लग रहा है ये। बाकी यार चलो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, और बाकी का गेम प्ले आप इन्जॉय कर सकते हैं। बाय।